हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का जो पार्ट टू है इससे पहले एक पार्ट और हो चुका है इकोनॉमिक्स का उसको भी पढ़ लीजिएगा यूपी पी और आर ओ आओ के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये और ये दूसरा पार्ट है इसे धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक्स कंप्लीट कवर कराया जाएगा और इसमें वो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो मेन्स का टॉपिक है यू पी में तो वो धीरे धीरे आगे आएगा थोड़ा सा लेवल जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो शुरुआत की जा रही है और यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी यू पी में भी आर ओ में भी इसके अलावा ये सभी नोट्स वगैरह आपको यू पी पी स पेड ग्रुप में या आओ आओ वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा वहीं पे आपको सभी हैंड रिटन नोट्स जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो मिलेंगे इसके अलावा जो पी वाई क्यूज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका जो डिटेल में है वो सब भी आपको वहीं पे मिल जाएगा इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब भी आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे इसके अलावा यू पी पी सी एस मेन्स का आंसर राइटिंग का भी ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस इसको व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले जीडीपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है अब सीधे सीधे डेफिनेशन लिखने को भी आ, मतलब मेंस में तो लिखने को आ जाता है कि जीडीपी से आप क्या समझते हैं और भारत की जीडीपी में कोई चीज़ ऐसा जो रिसेंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड करंट का थोड़ा सा डाल के मेन्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी पेपर थ्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अलावा ये चीज़ें जो है प्री में भी यू पी में कभी कभी डेफिनीसन लिखा रहता है और कहा जाता है कि आ, कई कथन लिखे होते हैं इनमें से कौन सा जी के बारे में सत्य कथन है तो इस तरह से लिखा रहता है जी क्या चीज़ है उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन जाता है तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले जी क्या होता है तो ये वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है घरेलू सीमा का मतलब हमारी भारत की जो सीमा है हमारा भारत का जो पूरा जो नक्शा है उसके अंदर जो चीजें उत्पादित हो रही हैं उसका मतलब जो वस्तुएं या फिर सेवाएं जो भी उत्पादित हो रही हैं उसके मूल्य को केवल जीडीपी कहा जाता है अब जैसे भारत की सीमा में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी होती हैं तो वो भी इसमें शामिल रहेगा जीडीपी में और जो भारत की जैसे कुछ कुछ भारतीय भारत से बाहर चले गए हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे तो यहाँ पर जी में देश की घरेलू सीमा यहाँ पर सीमा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी मतलब उस नक्शे के अंदर आना चाहिए इसमें भारतीय सीमा में आ, कमाया गया विदेशी धन भी शामिल होता है जी में तो इसीलिए जीडीपी को कभी कभी जो है एक्चुअल uh, uh, जो है बढ़ोतरी नहीं माना जाता है किसी देश की जीएनपी जो है एकदम प्योर होता है जीएनपी क्या है तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश या देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य इसमें देखिए जी तो uh, इसमें कैसे निकाला जाता है जी को ग्रॉस नेशनल इनकम है ये तो इसमें जी से देश में विदेशी आय जो होती है हमारे देश में रहकर जो विदेशी आय मतलब भारत से बाहर चली जाने वाली है उसको माइनस कर दिया जाता है और हमारे जो भारतीय विदेशों में जो धन कमा रहे हैं उसको ऐड कर दिया जाता है तो हमारा जो टोटल वैल्यू आती है वो जी कहलाती है तो जीडीपी में से विदेशी आय को माइनस करना है और विदेश में जो भारतीय हैं उनसे जो आय प्राप्त हो रही है उसको ऐड करना है तो ये हो गया जीएनपी कभी कभी जो है मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं जीडीपी जीएनपी क्या चीज़ें हैं इसको मतलब अच्छे से समझा के लिखिए तो उसमें फॉर्मूला वगैरह आप ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें उदाहरण से समझा सकते हैं अब एन एन पी क्या होता है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है तो जी एन पी में से जब मूल ह्रास को हटा दिया जाता है उसको घटा दिया जाता है मूल ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन इंग्लिश में कहते हैं कोई भी सामान जैसे हम गाड़ी खरीद के लाते हैं आज तो आज तो वो लाइबिलिटी हो गई हमारे ऊपर अगले ही दिन उसकी कीमत कम हो जाती है तो वो अब उतनी वैल्यू क्यों नहीं रही जितनी वो जब एजेंसी में थी तब उसकी वैल्यू थी तो मूल ह्रास उसका हो गया शुरू हो गया तो इसी तरह से मूल हरास को घटाने के बाद जो जीएनपी बचता है उसको एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है बस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर देना है तो एन, एन निकल आएगा जी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है आगे एन क्या होता है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब इसमें जीडीपी में से जब मूल हिरास को घटाया जाता है यहाँ पर तो एनएनपी था जिसमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को हटाया जा रहा था तो एनएनपी आया था अब एनडीपी क्या होता है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाएगा तब एनडीपी आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें एन में जी में से घटाते हैं और एन में जी में से डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है नेक्स्ट है ये चार पांच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ से क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है इसलिए है अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आर में भी और यूपीपीसीएस में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं तो जो आर्थिक समृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है यानी मात्रात्मक होती है किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है मतलब नंबर्स में ये होता है समृद्धि अगर हो रही है तो मतलब नंबर्स में कोई चीज़ बढ़ रही है जीडीपी किसी देश की बढ़ रही है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो गरीबी गरीब लोग हैं उनको सब चीज़ मिलने लग रहा है उस देश की जी बढ़ रही है लेकिन हो सकता है गरीब और गरीब हो रहा हो ये समृद्धि जो है ये क्वांटिटेटिव होती है मात्रात्मक होती है नंबर्स में इसको आ, मतलब गणना इसकी की जाती है और आर्थिक विकास क्या है तो विकास गुणात्मक होता है वो दिखता है जैसे क्वालिटेटिव होता है निचले तबके तब, तब तबके तक का विकास इसमें किया जाता है जो सबसे गरीब है उसको भी जैसे आ, अगर घर नहीं है किसी के पास तो धीरे धीरे घर भी बनने लग रहे हैं तो जो आपने देखा होगा कि जो एकदम गरीब है वो धीरे धीरे से ऊपर की ओर आ रहे हैं तो इसको आर्थिक विकास कहते हैं गुणात्मक रूप में ही होता है क्वालिटेटिव होता है दिखता है इंसान को तो किसी भी देश को अगर अच्छे से देखना है तो विकास ज़्यादा ज़रूरी होता है समृद्धि से नेक्स्ट है मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है तो क, मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसको घटने से तात्पर्य कि मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है पैसे की वैल्यू किसी भी तरह से अगर कम हो जाए हमें खूब सारा पैसा देना पड़े किसी सामान को ख़रीदने के लिए जैसे जैसे पहले एक रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी अब एक रुपये में कुछ नहीं मिलता थोड़ा सा एक आठ टॉफ़ी हो सकता है मिलती होगी तो ये जो है ये हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई तो इसको कहते हैं महंगाई बढ़ गई इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ा है इसलिए जो है हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई है आगे कारण के आधार पर मुद्रा मुद्रास्फीति के प्रकार पूछे जाते हैं देखिए दर के आधार पर पूछे जाते हैं मुद्रा के आधार कारण के आधार पर पूछे जाते हैं तो यहाँ पर है कारण के आधार पर मुद्रा मुद्रास्फीति तीन तरह की होती है पहली है मांग जनित मुद्रा मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन मांग में बढ़ोतरी के कारण ये उत्पन्न होती है जैसे कोई चीज है अगर मार्केट में मान लीजिए सोना सब लोग चाहते हैं कि सोना मुझे मिल जाए सब गोल्ड चाहते हैं तो गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है इसलिए जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है कभी कभी जो चीज़ हम ज़्यादा चाहने लगते हैं और उतनी उसकी क्षमता नहीं होती उसकी उतनी पैदावार उसकी नहीं होती तो उसकी वैल्यू अपने आप हाँ ही बढ़ने लगेगी तो मांग में बढ़ोतरी के कारण जो है ये उत्पन्न होती है मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन अब ये जो है इसमें समग्र इस तरह से इसको डिनोट भी कर सकते हैं समग्र मांग जो है आपूर्ति से ज़्यादा हो गई मांग ज़्यादा हो गई आपूर्ति कम है इसलिए उसकी जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ये जो है इसके इससे क्या क्या हो रहा है तो आय में बढ़ोतरी सी उत्पन्न होती है अगर किसी की मतलब आ, हमारे देश में अगर आय बढ़ने लगे लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा तो जब पैसा ज़्यादा होता है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है चाहे उतना प्रोडक्शन ना हो रहा हो लेकिन मांग बढ़ जाएगी पैसा ज़्यादा होगा तो।, तो मांग में आय में बढ़ोतरी के कारण ऐसी जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है या फिर रोजगार में अगर बढ़ोतरी हो रही है ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तब उनके पास पैसा होगा तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो मांग बढ़ रही है तो इससे भी मुद्रास्फीति जन्म लेती है इसके अलावा अगर बैंकों से आसान लोन मिल जा रहा है मतलब ज़्यादा पैसा मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है और लोन खूब सारा पैसा लोग ले ले रहे हैं लोन ले ले रहे हैं बैंक से तो पैसा तो ज़्यादा उनके पास हो गया लेकिन जो है जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो सामान भी खरीदेंगे खूब खरीदेंगे उनकी मांग बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम हो जाएगी तो ये जो है इस तरह से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी मुद्रा प्रवाह या लिक्विडिटी इन सब चीज़ों से लिक्विडिटी बढ़ती है लिक्विडिटी मतलब मुद्रा प्रवाह जितना ही लोगों के पास बाजार में पैसा रहेगा लोगों के पास पैसा रहेगा उतना ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी ये एक किसकी सीमा रेखा होती है कि कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि बढ़ती है इसके अलावा सब्सिडीज अगर सरकार जो है फ्री में पैसे बांट रही है फ्री में सब्सिडी दे रही है सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जा रहा है जो सरकार देती है जो किसानों को मिल रहा है या किसी को भी जो चीज़ें मिल रही है सब्सिडी जितनी ज़्यादा मिलेगी लोगों के पास पैसा उतना ज़्यादा होगा अगर पैसा ज़्यादा होगा तो वो सामान खरीद सकेंगे और इससे मांग बढ़ेगी तो ये भी एक कारण होता है मुद्रा स्फीति का यानी जो है इन्फ्लेशन का और अगर सीधी सी बात सब्जी जाए तो डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन कम है आर जो है इसको मौद्रिक नीतियों के माध्यम से कंट्रोल करता है आर जो एस एल आर सी आर आर ये सब हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग वाले में तो उसमें जो ये सब आएगा उसके माध्यम से आर इसको कंट्रोल कर सकता है तो पूछा जाता है एग्जाम में क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आर कंट्रोल कर सकता है तो हाँ कर सकता है नेक्स्ट है यहाँ पर लागत प्रेरित मुद्रास्पीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में अधिक लागत लगने लग रही है जो मतलब कोई रॉ प्रोडक्ट है अगर कोई सामान हमें बनाना है तो उस वो जिस जिस सामान से बनेगा जैसे सिकंजी बनानी नींबू महंगा हो गया तो सिकंजी भी महंगी हो जाएगी तो इस टाइप से ये होता है अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो जो है ये मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी अंतिम प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी प्रोडक्शन का खर्च बढ़ जाता है इसमें रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है तो आरबीआई के कंट्रोल से ही बाहर होता है सरकार जो है ऑर्गेनाइजेशन की मदद करके कंट्रोल कर सकती है इसे अगर चाहे तो सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है जो रॉ प्रोडक्ट है उसकी उसकी कीमतों में सब्सिडी दे दे या किसी तरह से भी उसकी जो है जो जो कंपनियां हैं उनको थोड़ा सा सब्सिडी दे दे तो इस माध्यम से जो है अंतिम प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो सकती है लेकिन इसमें आर कुछ नहीं कर सकता है तो ये पूछा जा सकता है लागत प्रेरित मुद्रा मुद्रास्पीति कौन कंट्रोल कर सकता है सरकार कर सकती है आर बी कंट्रोल से ही बाहर होती है नेक्स्ट है संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है मांग भी यानी डिमांड भी अच्छी होती है लेकिन भंडारण सुविधा की कमी परिवहन शुल्क ज़्यादा या फिर जमाखोरी कालाबाजारी की वजह से ऐसी महंगाई उत्पन्न होती है सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है थोड़ा लगाम लगा के जैसे अक्सर हर साल ऐसा होता है कि प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं और फिर कुछ जैसे किसान होते हैं जहाँ पर जैसे महाराष्ट्र वगैरह में प्याज को स्टोर करके रख लिया जाता है उसके बाद जब आ, मार्केट में प्याज कम हो जाती है तब उसको महंगे दामों में भेजा जाता है तो ये काला बाजारी जमाखोरी इसको कहा जाता है और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक होता है जैसे हमारे यहाँ अब लॉजिस्टिक सुधार पे काफ़ी काम किया जा रहा है रोड वगैरह अच्छी बन रही है कोल्ड स्टोरेज अच्छे बन रहे हैं लॉजिस्टिक में ये होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से अंतिम जगह तक पहुँचने में जो कॉस्ट आ रही है जो जैसे परिवहन की जो कॉस्ट आ रही है इसको स्टोर करने की जो कॉस्ट आ रही है इसको प्रिजर्व करने की जो कॉस्ट आ रही है वो जितनी कम रहेगी अंतिम फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा उसकी कीमत उतनी ही कम रहेगी तो अगर ये जो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यही होता है कि भंडारण की सुविधा में अगर कमी है परिवहन शुल्क ज़्यादा है जमाखोरी है काला बाजा है तो इस वजह से जो महंगाई उत्पन्न होती है उसे कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसको सरकार ही कंट्रोल कर सकती है नेक्स्ट यहाँ पर ये तो हो गया कारण के आधार पर तीन तरह की हो गई पहली हो गई मुद्रा जनित दूसरी हो गई लाग लागत प्रेरित तीसरी हो गई संरचनात्मक मुद्रा मुद्रास्फीति जब आप मेन से लिखेंगे तो इसमें ये तीनों आपको रटा होना चाहिए कि कौन कौन सा आता था इसमें कारण वाले में वहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं रहेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे दर के आधार पर मुद्रा मुद्रास्फीति जो है चार तरह की होती है पहली है रेंगती हुई मुद्रा मुद्रास्फीति या फिर इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्रीपिंग इन्फ्लेशन में मुद्रा मुद्रास्फीति की दर जो है तीन परसेंट तक रहती है मुद्रास्फीति मतलब ज़्यादा नहीं रहती बहुत धीरे धीरे मतलब मुद्रा स्फीति किसी भी कंट्री के लिए जरूरी होती है थोड़ी बहुत मुद्रा स्फीति होनी चाहिए इससे जो है ग्रोथ होती है कंपनी मतलब किसी भी देश की लेकिन जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे बहुत कम बहुत धीमा जो गति होती है मुद्रा स्फीति की मतलब तीन परसेंट तक अगर रहे तो विकसित देशों में ऐसा होता है सब कुछ कंट्रोल में रहता है तीन परसेंट स्फीति धीरे धीरे जो है लोगों की इनकम बढ़ती है थोड़ा बहुत महंगाई भी बढ़ती है लेकिन एक कंट्रोल में सब चीज़ें रहती हैं फिर आती है चलती हुई मुद्रा स्फीति जिसको कहते हैं वॉकिंग या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन तो इसमें मुद्रास्फीति की दर जो है तीन से दस परसेंट रहती है ज़्यादातर ये विकासशील देशों में ऐसा होता है सु, आ, सुधार की इसमें आवश्यकता होती है अगर कोई विकासशील कंट्री जैसे हमारा इंडिया हो गया इसमें भी ये इसी में आता है चलती हुई मुद्रास्फीति में विकासशील देशों के अंतर्गत और इसमें जो है तीन से दस परसेंट तक मुद्रास्फीति रहती है भागती हुई मुद्रास्फीति मतलब रनवे इन्फ्लेशन बहुत तेज भाग रही दस से तीस परसेंट तक हो गई नियंत्रण के बाहर हो गई बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है भागती हुई मुद्रास्पीति में फिर आती है लास्ट वाली चरम मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन ये तो एकदम बर्बाद वाला देश की कहानी हो गई जिसमें तीन थर्टी परसेंट से भी ज़्यादा मुद्रा स्फीति की दर हो एकदम सब चीज़ बाहर निकल गया अब आईएमएफ से ऋण लेगा बहुत जगह से ऋण आएगा उस देश में लोन लेना पड़ेगा इस तरह से मतलब बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी तब उसको कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन थर्टी परसेंट से ज़्यादा जैसे वेनेजुएला वगैरह में हुआ था तो ये हो गई ये वाली स्थिति लास्ट वाली तो ये हो गया किसके आधार पर दर के आधार पर मुद्रास्फीति चार तरह की रेंगती हुई चलती हुई भागती हुई चरम मुद्रास्फीति या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन वॉकिंग इन्फ्लेशन रनवे इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन तो ये इतनी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन के बारे में इंपॉर्टेंट थी अभी इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ और अलग अलग तरह के शब्द होते हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे बाकी ये वीडियो पसंद आया यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके अलावा यू पी पी एस आरोप यू पी पी एस वाला आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया दे इसे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस